जय श्री कृष्णा। चलिए आज बनाते हैं भिंडी मसाला। यहाँ पर हमने 250 ग्राम भिंडी ली है, इसे अच्छे से धोकर सुखा लिया है। अब दोनों साइड के किनारे कट करके बीच में से एक कट लगाएंगे। अगर भिंडी बड़ी है तो दो पीस में कट करना है। कढ़ाई में तेल गरम करके कटी हुई भिंडी डालकर फ्राई कर लेंगे। भिंडी हमें सावधानी से डालना है। अब हम मसाला बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 2 छोटी प्याज, 1 टमाटर, 1 से 2 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां। इन सबको चॉप करना है। फिर कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे, उसमें 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, कटी हुई मिर्च, लहसुन और प्याज डालकर चलाना है। जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो उसमें कटे हुए टमाटर डालकर चलाएंगे। फिर इसमें आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर टमाटर और मसाले पकने तक इसे ढक कर रखें। इसे पकने में 2 से 3 मिनट ही लगेगा। अब इसमें फ्राइड भिंडी डालकर अच्छे से मिक्स करें और 1 से 2 मिनट ढककर पकाएं, ताकि मसालों का फ्लेवर भिंडी में अच्छे से आ जाए। अगर आपको ये सारे मसाले नहीं डालने हैं तो इन सब मसालों की जगह आप सिर्फ 1 चम्मच पाव भाजी मसाला या 1 चम्मच मैगी मसाला का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हमारी भिंडी मसाला बनकर रेडी है, इसे गर्मा गर्म सर्व करें। इंजॉय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।